रिहायशी झोपड़ी में लगी अचानक आग से गरीब परिवार का लाखों का नुकसान हो गया। बस्ती जिले के सोना थाना क्षेत्र के तकियाचक गांव निवासी राजकुमार की रिहायशी झोपड़ी में दिन में अचानक आग लग गई। जिस समय झोपड़ी में आग लगी उस समय उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था। आग लगने से झोपड़ी में रखा अनाज, इंजन, बर्तन, भूसा, चारपाई समेत बिस्तर सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपट देखकर राजकुमार तुरंत शोर मचाने लगा। शोर सुनकर सब गांव के लोग इकट्ठा हुए और आग को बुझाने लगे। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और सोना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची सीओ रिधौली, अंबिका राम और थाना अध्यक्ष सोना राम कृष्ण मिश्र ने तत्काल पहुंचकर तुरंत आग बुझाने में मदद की, लेकिन फायर ब्रिगेड एक घंटे बाद पहुंची। तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। झोपड़ी के बगल में लगी बांस की खूंटी में भी आग लग गई थी। आग लगने से बांस की खूंटी जलकर सड़क पर गिर गई, जिससे बस्ती डुमरियागंज मार्ग आधा घंटा बाधित रहा। जानवर बच गया? कौन सा गांव है ये? कौन सा गांव है? तकियाचक। आग कैसे लगी? पता नहीं कैसे लगा भैया। किसका झोपड़ी का मकान था? छप्पर का था। कितना नुकसान हुआ? अरे बहुत नुकसान हुआ। डेरी बगान जल गया, आलू रहा, कुल जल गया, गेहूं रहा, मशीन रहा, इंजन रहा, डिलीवरी पाइप रहा, बहुत सामान था, तख्ता रहा, खटिया रहा, कुछ बहुत सामान खटिया रहा, तख्ता चार ठुर गया, ये गद्दा। तो गांव वाले मिलकर आग बुताए हैं? हां, गांव वाले मिलकर आग बुताए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।